अस्सलाम वालेकुम केम छो सस्रेकाल केरो हाले कैसे का नमस्ते केमो ना छो एंड वेलकम टू बिग बॉस ओटीटी का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? अरे भैया एक घंटा आज का एपिसोड डिले कर दिए साला, नच बलिया हमारे पानी में कुछ गोली मिला दिया था साला, ऐसा सो गए साला टोन हो गए। ए साला वो गोली नहीं था, हम तुम्हारे पानी में ना पूरा 90 ml वोडका डाल दिया था। अरे बदतमीज साले, शाम को दारू पिला दिया। बच्चन भा, अरे दारू पीने को टाइम थोड़ी ना होता है। फ्रेंड्स, आज बिग बॉस वालों ने गूगली फेंकी, पता नहीं उनका लाइव सेशन में क्या तमाशा चल रहा था, तमाशबीन बन गए थे एंड यहाँ पर आकर हमारी बीन बजा के चले गए। 8:06 पर बिग बॉस का एपिसोड जो है वो आज शुरू हुआ एंड बॉय ओ बॉय व्हाट एन एपिसोड। निक्की टंबोली वाज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। वो लास्ट सीजन में भी आई थी तब मैंने कहा था काय दिखते रे तुम्हें, पर मुंह उगड़ला तर अब क्या दिखती है, लेकिन मुंह ओपन करते ही सब कुछ फचका। लाइक शी वाज लुकिंग फैब, हर बॉडी, हर टोन्ड लेग्स, शी वाज लुकिंग गॉर्जियस। अरे ये क्या कर दिया भाई? ये बिग बॉस चल रहा है भाई, मर्डर 2 का पिक्चर नहीं चल रही है। नेहा भसीन यहाँ पर देखते रह गई, निक्की आई, प्रतीक सहजपाल को बुलाई, एक चुम्बन यहाँ से और दूसरा चुम्बन वहां से। निक्की ने तो प्रतीक सहजपाल को गाल पे चुम्मा दिया, लेकिन प्रतीक सहजपाल द प्ले बॉय ही इज, उन्होंने बोला एक और किस दीजिए मुझे, आके सीधा लिप टू लिप कर दिया। वो गाना था ना लिप टू लिप दे किसिया के, कौन सी पिक्चर का गाना है रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर से भूल गया। अर्जुन कपूर की तो पिक्चर का नहीं, अर्जुन कपूर। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो गाइस अब कल सबको पता है यहाँ पर शमिता एंड निशान का घमंडी वाला जो झगड़ा है वो बाथरूम में हुआ था। तुम्बिन कहता है शमिता डोंट बी अपसेट, कल बहुत लफड़ा हुआ था मुझे पता है। हाँ शमिता और निशान का लफड़ा हुआ था ये हमको पता है। तुम्बिन कहता है डोंट बी अपसेट। हाँ नेहा कहती है व्हाई इज निशान सेइंग ऑल दिस, ये सब अजम्पशन है उसका शमिता के बारे में और मालकिन के बारे में। कैसे जो सर्वेंट्स रहते हैं वो कुछ बोल नहीं सकते, वैसे नेहा और तुम्बिन है यहाँ पर अपनी मालकिन शमिता के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। अरे मैडम हाँ तुम सही हो, क्या मैं पागल हूँ? हाँ मैडम तुम पागल हो। एक दिन आएगा वैसे ही बोल देंगे उन लोग। हाँ वो कहते हैं निशांत अपने सारे असम्पशंस ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकता शमिता के लिए। हाँ शमिता कहती है व्हाई डिड निशांत पाउंस ऑन मी, आई डोंट सी एनी रीजन। नेहा कहती है छोड़ो शमिता तुम बिन तुम्हारे साथ है ना, चिल करो। शमिता बोलती है खाक तुम बिन मेरे साथ है, मुझे मर्द चाहिए मर्द, और ये तुम बिन ये तो मुझे डिफेंड करने भी नहीं आता। इंग्लिश में बोलते हैं शमिता कहती है आई वॉन्ट अ मैन, हमने हिंदी में कर दिया हमें मर्द चाहिए। हाँ नेहा कहती है तुम बिन आया था बेचारा झगड़ने के लिए तेरे लिए, झगड़ भी रहा था तेरे लिए, लेकिन मूस ने उसको यहाँ पे चुप करा दिया। शमिता यहाँ नाखुश है क्योंकि निशान ने उसको घमंडी बोला, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। निशान ने यहाँ बहुत ही वैलिड पॉइंट निकाला, निशान बोला तुम बिन गया बोलने के लिए। क्या रे निशान क्या बोला शमिता को तूने? हाँ निशान बोलते ए शाणे तेरे को पता है ना क्या बोली मेरे को, CHUT चूत बोली थी उस दिन। अब मैं करण साहब से एक चीज पूछना चाहता हूँ, कल उन्होंने इतना बड़ा बखान मचा, अरे भाई वो अक्षरा सिंह के पिताजी ने तो आज पूरा गेम कर दिया ना। अक्षरा सिंह के पिताजी ने एक इंटरव्यू दिया है, जाके देखिए तुम लोग, अरे मतलब दबंग आदमी है वो, तो हम दाढ़ी वाड़ी ऊंची ऊंची क्या इंटरव्यू, सबकी बैंड बजा दिया उसने इंटरव्यू में। अब मैं करण साहब से एक चीज पूछना चाहता हूँ, उस दिन वीकेंड के वार पे ये CHUT का टॉपिक क्यों नहीं निकाला? क्यों ये टॉपिक में आपको मर्दों के लेटर नहीं आए, मेल नहीं आए क्रिएटिव टीम? हाँ तुम लोग को फैन लेटर्स नहीं आए कि व्हाई इज अ मैन बीइंग टारगेटेड ओवर हियर ऑन दिस? हाँ कल नेहा भसीन के टॉपिक पे लेटर आ गया तुम लोगों को कि अरे रे 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 तुम बॉडी फील कर रहे हो उन लोगों पे। हाँ दोगले मापदंड नहीं है किसको टारगेट करना है किसको नहीं करना है, अच्छे से यहाँ पर आता है। निशान बोलता शमिता ने मेरे को CHUT बोला तब तो किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। हाँ ये तो टॉपिक नहीं आया बीच में। दिव्या कहती तुम बिन क्या तुम प्रेशराइज फील कर रहे हो बेटा? हाँ तुम बिन कहता मैं शमिता को पसंद करता हूँ और शमिता बस चाहती कि मैं उसके लिए स्टैंड लूं। निशान कहता है उसने मेरा कैरेक्टर असैसिनेट किया, समझ में आया? नेहा बोलती है मूस अपने आप को क्या शाणा समझती है क्या? हाँ मुझे बोलती है नॉट अ फेमिनिस्ट, और तुम तीन लोग मूस प्रतीक निशांत तीनों मेरे चोंडे उस पर अटैक करते हो तुम लोग बैठकर। हाँ प्रतीक कहता है आई डोंट गिव अ फक कोई मेरे बारे में क्या बोले, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, समझ में आया? हाँ तुम बिन कहता है शमिता प्लीज आप चुप मत रहो कुछ बोलो शमिता। शमिता कहती है मैं अपने आप को खुद संभाल लूंगी तुम बिन, ये ड्रामा आके मेरे को मुंह पे दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ बेशरम तेरे को मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए ना लुखे,
तुम भी कहता है देखो मैं है ना स्टैंड लूंगा लेकिन करेक्ट टाइम पे लूंगा, समझ में आके शमिता बोलती हूँ मेरे बारे में बुलशिट बोल रहे होस्ट के सामने गेस्ट के सामने और तू बोलता है करेक्ट टाइम पे जाके बोलूंगा। हाँ ये तुम भी एक्चुअली है ना शमिता को क्या चाहिए एकदम मार दाके फुल धड़ाधड़ झगड़ा कर ले। तुम भी का ऐसा पता है रिक्शा वाले से झगड़ा हो गया, अब रिक्शा वाला लाफा मार दिया तुम भी को, अब तुम भी घर जाएगा खाना खा के सुबह उठ के जब बाथरूम से निकलेगा ना बोलेगा अब मैं स्टैंड लूंगा जाके रिक्शा स्टैंड पे जाके रिक्शा वाले को ढूंढ के भाई घंटा वो रिक्शा वाला मिलेगा क्या उधर, क्या थोड़ा अक्कल पकड़ रहे तुम भी एकदम क्या बोलने का इसको। हाँ तुम भी बोलते सीरियसली मतलब ये सब रिलैक्स रहो, शमिता बोलती मैं अटैक हुई आई एम फीलिंग अटैक, समझ में नहीं आ रहा तुमको बेवकूफ। तुम भी बोलता है निशान भट्ट हमेशा शीट बात करता है क्या टेंशन लेने की जरूरत है, शमिता बोलती आई डोंट लाइक शीट दे कॉल स्पाइनलेस टू यू दे कॉल डोमिनेटिंग टू मी आई डोंट लाइक ऑल दिस, शमिता कहती तुम भी देखो जो करना है कर रहे मेरे को तेरे चक्कर में नहीं पड़ना। फिर गाना बजता है दोस्ताना पिक्चर का जो गाना है वो यहाँ पे बजता है एंड यहाँ पर एंट्री होती है यहाँ पर निकी टंबोली एंड रुबीना फ्रिंजी दलीक। अरे व्हाट वाज दैट हेयरकट, व्हाट यू कॉल दैट हेयरकट रुबीना फ्रिंजी काफी क्यूट लग रहे थे, रुबीना आल्सो लुक्स वेरी क्यूट। एंड गाइस यहाँ पर जैसे लोग डांस करते हैं यहाँ पे अंदर आते हैं मूज दिव्या निशान तीनों ही गाने पर डांस करते हैं। अब निक्की जैसे आती अंदर कहती है मिस बिग फैन, मूज कहती है निकी बिग फैन, गलत लड़की से पंगा ले रही है मूज अपने एलिमेंट्स में आ जाएगी ना अच्छे से मजाक हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पर रुबीना निक्की आती है एंड कम्प्लीटली ये बोलना चाहूंगा कि निक्की ने आज रुबीना को ओवरशैडो कर लिया। हाँ रुबीना के फैन थोड़ा बुरा मानेंगे लेकिन अभी ये बिग बॉस 14 नहीं चल रहा है, बिग बॉस OTT चल रहा है लेकिन ऑनेस्टली बोल रहा हूँ रुबीना लुक वेरी बोर्ड, शी वाज लाइक अरे क्या चल रहा है सब तमाशा चल रहे हैं लोग के अंदर। निकी आके कहती है यहाँ पर प्रतीक द हैंडसम हंक, शमिता क्लासी, मूस एक ग्लासी, ये मैं बोल रहा हूँ मूस यहाँ पे कहती है मैं मूस तो के तो फैन बन गई हूँ एकदम। हाँ रुबीना यहाँ अपनी बिग बॉस की ट्रॉफी जो है वो लेकर आती है। अब गाइस निकी कहती है मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ किसी का बाहर कि वो बाहर आएगा ना तो वी विल हैव अ रिलेशनशिप टुगेदर। तो यहाँ पर निकी इनडायरेक्टली इज हिटिंग ऑन प्रतीक सहजपाल एंड दोनों के बीच में चुम्बन हो जाता है। अब गाइस यहाँ पर प्रतीक कहता है आई डोंट माइंड, निकी काफी अच्छी लग रही थी एंड रुबीना भी यहाँ पर ठीक ठाक कह सकता हूँ वैसी लग रही थी। अब गाइस बीबी OTT सितारे ये नाम का टास्क है, कोई भी दो कंटेस्टेंट्स आएंगे एंड उनको आपसी सहमति से किसी भी एक कंटेस्टेंट की जो फोटो है उसको श्रेडर में डालकर श्रेड करनी है। नेहा एंड दिव्या आते हैं, दोनों की आपसी सहमति होती नहीं, नेहा कहती यस बेच दिव्या को। हाँ नेहा भसीन की बहुत गंदी जबान है एंड बाहर भी उन्होंने बहुत सारे शोज किए हैं ओके, लेकिन अब ये गेम है उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके गाइस सो नेहा यहाँ पे कहती है यस बेच टू दिव्या यू हैव कम फॉर द गेम, दिव्या कहती है नेहा एंड शमिता अपने आप को यहाँ पर पिलर ऑफ वुमन एम्पावरमेंट समझते हैं लेकिन खुद की जबान देखो यहाँ पर कैसी है। नेहा बसिन गाउन पहन के जमीन पे लेट जाती है, यहाँ पे दिव्या कहती है नेहा हैव सम रिस्पेक्ट, मैं बात करूँ एटलीस्ट खड़े हो जाओ, समझ में आ गया। नेहा बात करना शुरू करती है तो दिव्या मुंह बनाती है, दोनों में क्या भिड़न हो जाती है, वो बोलती तू कबाड़ी वाला है, तू बोलती कबाड़ी वालों की इज्जत नहीं होती, मेरे साथ बकवास मत कर। नेहा जाके बैठ जाती है मैंने नहीं खेलना ये गेम, दिव्या बोलती इतना अच्छा गाउन पहन के आई है क्या रे नेहा बसिन, झगड़ने के लिए आई है तू, हाँ बेटा, नेहा बोलती डोंट कॉल मी बेटा, समझ में आ गया तू तो इंसान ही नहीं है। हाँ दिव्या कहती है ए चल तू भी बोल ले, जो प्रतीक बोलना शुरू करता है उसको बोल तू भी बोल ले फुटेल ले ले तू। रुबीना बोलती है नेहा कम फॉर द टास्क डोंट डू बदतमीजी कम मो प्लीज, अरे हम लोग को पैसा मिला है प्लीज घर जाने दो हम लोग को। कल इवेंचुअली आई थिंक रात को 2:30 बजे बेचारे निकी एंड रुबीना की शूटिंग खत्म हुई थी फिल्म सिटी में वहां पर। अब गाइस वापस झगड़ा होता है एंड रुबीना निकी यहाँ पर डांस करना शुरू कर देते हैं। अब निविया जो है दिव्या को कहती है तुम एक रॉटन इंसान हो, दिव्या बोलती है अरे बेटा मैं रॉटन हूँ, नेहा बोलती बैक आउट वॉच आउट डोंट टच मी, दोनों के बीच में कैट फाइट होना चाहिए था मस्त मजा आती थी देखने में। हाँ अब ये सब मजा आएगी सलमान भाई जब आएंगे ना सुल्तानी अखाड़ा होगा तब दिलों की फाइट होनी चाहिए। अब नेहा कहती है ये मेरी फुटेज ले रही है मेरे नाम से, दिव्या कहती है तेरे नाम से फुटेज लूंगी, हाँ मैं चाहती हूँ शमिता का जो फोटो वो श्रेड हो जाए, दिव्या बोलती मैं नहीं चाहती शमिता का फोटो श्रेड हो जाए, समझ में आ गया। हाँ एंड उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होता है एंड उसके बाद एंड में शमिता का जो फोटो है वो श्रेड हो जाता है। अब गाइस उन लोग मूसन प्रतीक को बुलाते हैं, मूसन प्रतीक ऑब्वियसली एक ही टारगेट रहता है उन लोग का, दिव्या बेचारी दिव्या का जो फोटो है वो श्रेड हो जाता है। यहाँ पे प्रतीक कहता है दिव्या
कनेक्शन बनाने आई ना यहाँ पर, कनेक्शन बना, आग मत लगा, समझ में आ गया? दिव्या कहती है, ए शाणे मैं बंदरों से बात नहीं करती, समझ में आ गया, उनसे कनेक्शन नहीं बनाती। अब गाइस राकेश, शमिता, निशांत, ये तो ऐसा फालतू गिरी थी ना, निशांत को बुलाया, राकेश को बुलाया, शमिता को बुलाया, ऊपर फोटो किसके किसके लगे पता है? प्रतीक, नेहा एंड मूस के। कैन यू बिलीव इट, ये लोग तीनों आपसी सहमति पे आ सकते हैं? हाँ, शमिता मूस का शटर में डालेगी, निशांत घंटा मूस का शटर में डालने के लिए नहीं देगा, तो इन लोगों के बीच में इतना तमाशा चलता है। रूबीना कहता है आपकी सहमति कर लो, निशांत बोलता है मैं नहीं करूंगा, शमिता कहती है डोंट टॉक टू निशांत, निशांत कहता है देखा घमंडी का अपना रूप दिखा दिया ना तूने यहाँ पर, हाँ मैं घमंडी हूँ, हाँ। तो कंक्लूजन पे आते नहीं है, एंड निशांत कहता है देखो ऐसे होते घमंडी लोग, ये शमिता एंड निशांत को नॉमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मूस भी बोलती है शमिता यू टॉकिंग नॉनसेंस, मूस बराबर, दिस इज हाउ पार्टनर शुड बी। मूस जट्टाना, जब भी निशांत का झगड़ा होता है फौरन लड़की बीच में आती है, सब सामने लोगों को पेलना शुरू कर देती है, दिस इज व्हाट शमिता इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम तुम्बिन, लेकिन तुम्बिन द ठंडा गाय ही इज नॉट डूइंग एट ऑल, शमिता इज कीपिंग लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम तुम्बिन, क्योंकि तुम्बिन उस पर खरा नहीं उतर रहा है। हाँ, अब गाइस यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, नेहा मूस को बदतमीज बोलती है, निशांत कहता है यहाँ पर मूस बदतमीज है, हाँ मूस बदतमीज है, ये दोनों लड़कियां, ये नेहा और ये शमिता, ये लोग जो गालियां देते हैं इंग्लिश में स्टाइलिश, ये बदतमीज नहीं है, मतलब तुम लोग बदतमीजी कन्वीनियंस पे जज कर रहे हो एक दूसरे की। हाँ, निशांत कहता है यहाँ पर मैं देख प्रतीक और नेहा का नाम शेड करूंगा, शमिता बोलती है मैं प्रतीक नेहा का नाम शेड ही नहीं करूंगी, प्रतीक और मूस का नाम शेड करूंगी, एंड एंड में वही होता है, ये लोग यहाँ पर प्रतीक एंड मूस का नाम शेड कर देते। अरे इतना बड़ा ज्ञान के क्या मुंह से गाली निकलती मेरे, क्या बड़ा तमाशा हुआ। फिर आता है स्प्रे टास्क, एक कंटेस्टेंट आएगा, ये लोग सवाल पूछेंगे, भंकस स्प्रे करेंगे, इसमें सवाल बहुत इंटरेस्टिंग जो है वही मैंने चुन के आप लोगों के लिए रखा है। स्प्रे टास्क शुरू होता है एंड दिव्या के मुंह पे प्रतीक आके पूरा स्प्रे मार देता है, दिव्या बोलती यू फकर, हाँ ये जो है ना स्वभाव में रहते हैं ना, बैंड्रा वैंड्रा खार वार में सब लड़कियां रहती है ना, हे फकर कैन यू गेट वन कैपुचिनो, लड़का बोलेगा हे डोंट कॉल मी फकर आई हैव फकर ऑन माय सेल्फ आई गेट कैपुचिनो फॉर यू, वैसे यहाँ पर चलता है, इसी पटेली में बात करते हैं। प्रतीक कहता है डोंट कॉल मी फकर स्टॉप कॉलिंग मी फकर, मुझे अपने आप पे फकर है। ओके गाइज, अब गाइज दिव्या यहाँ पर अपने आप पे पूरा स्प्रे करवा लेती है, एंड इसके बाद क्या दिव्या शमिता के रास्ते का कांटा है, इस पे भी दिव्या के मुंह पे स्प्रे हो जाता है, निशांत आके पूरा मुंह भर देता है। फिर आती है नेहा भसीन, क्या नेहा भसीन, ये किसी से इनसिक्योर है। प्रतीक यहाँ पर जाता है वापस निक्की के पास, चुम्बन लेके आता है, पूरा नेहा भसीन का जो मुंह है वो भर देता है। प्रतीक कहता है निक्की यू लुक गॉर्जियस, निकी कहती आई बी वेटिंग फॉर यू। अब गाइस क्या प्रतीक घर के कन्हैया है, सब लोग कहते हैं नहीं, नेहा जाके प्रतीक के मुंह पे स्प्रे कर देती है। दिव्या और प्रतीक क्या भाई बहन थे, निशांत कहता है हाँ। रूबीना अब तक क्लियरली बोर हो जाती है यहाँ पर, एंड गाइस यहाँ पर तुम्बिन को सवाल पूछते हैं क्या शमिता आपसे क्लियरली इरिटेटेड लग रही है, तुम्बिन कहता है नहीं इरिटेटेड नहीं लगते। फिर आती है यहाँ पे शमिता, बाल कटाने भी हम लोग जाते हैं ना तो इतना बड़ा कपड़ा नहीं लगता हमारे गर्दन पर, शमिता शेट्टी के मुंह पे बस स्प्रे मार रहा था, ऑब्वियसली उसकी साड़ी कम से कम 70-80 हज़ार की होगी, अब जितने की भी होगी, मैडम ने इतना बड़ा तोलिया लाया था यहाँ पे लपेटा और उसके ऊपर मुंह पे उनकी भी स्प्रे मारने की शुरुआत हुई, मुंह से तो फुल स्प्रे मार दिया। पूछा शमिता इस कंट्रोल फ्रीक, मुंह पे स्प्रे मार दिया, इस शमिता ड्रामा क्वीन, दिव्या ने भी स्प्रे मार दिया, निशांत आता है एंड नेहा के ऊपर मतलब पूरा का पूरा डाल देता है, वो काफी मुझे हिलेरियस लगा। एंड गाइस यहाँ पर स्प्रे का रिलेशनशिप है वहां पर खत्म हो जाता है, मूस को तो एक ही क्वेश्चन पूछा एंड मूस का जितना फुटेज था वो लोग ने एडिट करके कट कर दिया। अब गाइस यहाँ पे दिव्या एंड सारे लोग टास्क जो खत्म हो गया उसके बाद बातचीत करने चले जाते हैं, एंड रूबीना डेले एंड निकी टम्बोली अपने घर चले जाते हैं। इससे पहले यहाँ पर एक मित्र महिला एक दूसरे मित्र महिला की चुंबन लेती है, यहाँ पर नेहा भसीन रहती है, यहाँ पर निकी रहती है, किस करते हैं दोनों एंड प्रतीक सहजपाल को वापस एक किस मिलता है। सो 9:13 पर भैया फिर से तुमने कनेक्शन की पत्थर ठोक दी, कनेक्शन फिर बंद हो गया एंड 9:17 को शो वापस से शुरू हुआ। अब शमिता का ज्ञान शुरू हुआ, शमिता कहती है तुम्बिन ये हफ्ता काफी जरूरी है, इस हफ्ते में आपको कनेक्शन जो अपना है वो बहुत ही स्ट्रांग बनाना होगा, समझ में आ गया। तुम्बिन कहता है डोंट गेट अफेक्टेड शमिता बाय एनीथिंग, वी हैव टू बी नेचुरल। शमिता कहती है व्हाई यू टोल्ड मी डोंट पुट मी इन द मिडिल, हाँ तुम डिफेंसिव क्यों हो जाते हो तुम्बिन, तुमको मैं फॉरवर्ड में खेलने बोलती हूँ, हाँ कोच बोलता है फॉरवर्ड में खेलने को
और तू साला बोलता है डिफेंसिव हो जाने के लिए, एक काम कर तू बेंच पे बढ़िया जाके। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ। शमिता कहती है वी शुड नॉट गेट सेपरेट, तुम बिन समझ में आया, तुम बिन समझा या नहीं समझा वो अगले झगड़ा में पता चलेगा। अगले मेरा एक दोस्त था, कोई कभी भी मारामारी होती थी ना वो जाके बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेता था। एक दिन पिटाई हो रही थी, उसको टोक रहे निकल, उधर बाथरूम आया मेरे को, ये तुम भी वैसे ही है, कुछ भी होता ना सटक लेता साइड में से। ये कुमार गौरव है कांटे पिक्चर का, कुछ सुमड़ी में कुमड़ी है एक नंबर का। अब गए यहाँ पे निशान आता है, निशान शमिता के विषय में मांडवली हो जाती है। निशान कहता है अगर मैं घमंडी बोला तो तुम भी घमंडी बोलो, ब्ला 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 ब्ला, ये सब होता है, दोनों की दोस्ती हो जाती है गाइस यहाँ पर। अब गाइस निशान जो है वो राकेश को कहता है देख तो अपनी दीदी है ना शमिता, उसको संभाल ले, समझ में आ गया, ज्यादा नाटक मत कर। तुम भी कहते ना हमारे साथ खेलना यार, निशान बोलता है हाँ मैं खेलने को तैयार हूँ तेरे साथ, मैं और मुझ तेरे साथ खेलेंगे, लेकिन मेरे को प्रतीक भी बोल रहा है कि वो मेरे साथ खेलना चाहता है, तेरा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अगर शमिता दीदी के साथ तो मैं तेरे साथ खेल सकता हूँ। यहाँ पर निशान सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड दिखाई दे रहा है, उन्हें प्रतीक से बिगाड़ा कर रहा है, वो शमिता के साथ झगड़ के भी तुम्बिन के साथ बिगाड़ा नहीं कर रहा है, प्रतीक है ना तुम्बिन जो है उसको सबको इशारों पर नचा रहा है। कौन यहाँ पर? निशांत, मुंह से निशांत की बॉडी गार्ड है, कुछ भी हुआ तो फौरन क्या साहब जी पूरा उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है सबको। एक कुखरी वो पिक्चर देखिए अपना सपना मनी मनी, उसमें चंकी पांडे का कैरेक्टर देखना, ओ साहब जी बहुत कॉमेडी कैरेक्टर है वो। यहाँ पर मूस निशान की बॉडी गार्ड है, निशान पूरा का पूरा घर वो कर रहा है अपने कंट्रोल में, नया बसिंग को समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रही है, वो प्रतीक का गेम डाउन कर रही है, प्रतीक उसके चक्कर में पागल हुआ जा रहा है। दिव्या यहाँ पर बहुत मजबूत खेल रही है, बिंदास चिल्ला रही है वो सबको, उसको कोई भी टेंशन नहीं है गाइज यहाँ पर। अब गाइज यहाँ पर निशान एंड प्रतीक के बैठता है, 9:25 पर पूरा का पूरा गेम जो है वो समाप्त हो जाता है। ओके गाइज होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेट्स सी कल क्या होता है, तो वक्त ही बताएगा। आज नॉमिनेशन हो रहे तो शायद हमको भी कल नॉमिनेशन दिखाया जाए, मैं लाइव देखता नहीं ना, मेन एपिसोड में मजा नहीं आता। सो पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।